आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार के पोते से पूछताछ, रोहित पवार से ईडी की पूछताछ। ईडी ने रोहित पवार को समन भेजा था, रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ये पूछताछ इस वक्त रोहित पवार से चल रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त महाराष्ट्र से। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर मुंबई से सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ये बड़ी जानकारी है और अब तक ये छापेमारी में क्या कुछ सामने आया, क्या अपडेट है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के ईडी दफ्तर के ठीक बाहर और अब से आधे घंटे पहले रोहित पवार जो शरद पवार के पोते हैं वो ईडी दफ्तर के अंदर गए हैं। कई सारे दस्तावेजों के साथ रोहित पवार अंदर गए और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ईडी दफ्तर जिस जगह पे मौजूद है उस जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर जो NCP का प्रदेश कार्यालय है वो भी वहाँ पर मौजूद है और इसके लिए जो शरद पवार हैं वो इस वक्त NCP दफ्तर में ही मौजूद हैं और हज़ारों की संख्या में जो समर्थक हैं रोहित पवार के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस जो है वो पुलिस की भारी तैनाती की गई है और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। इससे पहले जब रोहित पवार ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद थे तो हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रिया सुले जो पार्टी की सांसद हैं वो उनको छोड़ने के लिए वहाँ पर गई थी और ये कहा जा रहा है कि जब तक रोहित पवार अंदर मौजूद रहेंगे तब तक शरद पवार NCP दफ्तर में ही मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। अब इस मामले को समझिए कि किस मामले में रोहित पवार को यहाँ पर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। तो ये पूरा मामला जो है वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है जो कि कथित तौर पर 25,000 करोड़ का बताया जा रहा है और इसी के अंतर्गत कई सारे जो है वो घोटाले हैं और इस जो जिस पर्टिकुलर घोटाले मामले में रोहित पवार से पूछताछ की जा रही है वो घोटाला ये है कि बारामती एग्रो जिसके रोहित पवार मालिक हैं उसके कई छापों पर जो है वो बीते दिनों छापेमारी चली थी। 5 जनवरी के दिन भी हमने देखा था कि किस तरीके से छापेमारी चली थी और उसके बाद ईडी ने समन किया था और ये पहला समन है जब ईडी की तरफ से रोहित पवार को बारामती एग्रो मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का शक है ईडी को और इसी के तहत ये पूछताछ के लिए बुलाया गया। तस्वीरें आप देखिए कि ये ईडी दफ्तर से महज 50 मीटर की दूरी पर हम लोग पहुंचे हैं। किस तरीके से यहाँ पर एक तरफ तो पूछताछ लगातार जारी है रोहित पवार से, दूसरी तरफ जो शरद पवार है वो भी उनके साथ मौजूद है। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ निकलकर सामने आता है पूछताछ में, ये भी देखने वाली बात होगी। ABP News आपको रखे आगे।